नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीनिस पूजा और ठगी पीड़ित जमा करता परिवार आज एक आंदोलन करौली क्लेमा कलेक्टर के सामने आंदोलन कर रहा है। आप देख सकते हो दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा लगा कि भाई चलो लोग जागरूक हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसमें फिर बदल आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो होते हैं ये काम पब्लिक की ताकत के साथ होते हैं। हम आपको बता दें, हम PACL के कार्यकर्ता रहे हैं और PACL में 25 साल हमने काम किया है। जो टॉप रैंक वहाँ पर थी उस रैंक पर हम रहे हैं। 2014 में PACL का जैसे ही बैन करने का आदेश आया, हम लोगों ने संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद हम सेबी के खिलाफ सेट में चले गए। सेट ने भी वही डिसीजन सुना दिया जो सेबी ने सुनाया था। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से 2016 में निर्णय आया कि कंपनी की प्रॉपर्टी बेच करके इनको पैसा दिया जाए, मगर मैनेजमेंट, हर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत चतुर होता है, उन्होंने ऐसी बहुत कुछ प्रॉपर्टियों में कहीं एग्रीमेंट कर दिया, कहीं लोन ले लिया, कहीं किसी को गिरवी रख दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, यानी उन्होंने ऐसा घोषपोच कर दिया कि प्रॉपर्टी बिकी नहीं पा रही। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी 2016 में ऑर्डर आया और 2016 से और आज तक हम लोग लड़ते हुए चले आ रहे हैं, मगर हमारी उपलब्धि ये रही कि हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका नतीजा हमको ये निकला कि आज तक सेबी ने 18,42,000 लोगों को पेमेंट किया है और उसका जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट है 834 करोड़। यानी 15,000 तक का जो पेमेंट था लोगों का, वो लगभग अगर किसी के कागजों में कोई त्रुटि नहीं है तो वो पेमेंट लोगों को मिला। अब 6.25 करोड़ लोगों में से अगर 18,18,500 लोगों को पेमेंट मिला तो हमारी ताकत बढ़ी, और जब हमारी ताकत बढ़ी तो आज हम जहाँ भी जो भी कार्यक्रम करते हैं वो कार्यक्रम हमारा सफल होता है, क्योंकि लोगों के बीच में पैसा आ रहा है। अब बात आती है सहारा की। सहारा का ऑर्डर 2012 में ही आया था, हमारा तो 16 में आया। सहारा का ऑर्डर 2012 में आया सुप्रीम कोर्ट से, मगर वो सहारा वाला और सहारा वाले के चमचे वो आपके बीच में आपको उलझाए हुए हैं, आज भी उलझाए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पैसा न जमा करा करके तमाम सोसाइटियाँ खोल दी, मानिए आप यहाँ जमा करिए यहाँ से आपको भुगतान होगा, और वो समय आज तक आज आ गया। 2012 से लेके आज 2022 10 साल हो गए। 10 साल से वो पैसे को केवल घुमा रहा है, मगर कस्टमर तक वो पैसा नहीं आ रहा। हम समझाते सहारा वालों को परेशान हो गए, लोग नहीं माने। मगर अब जब से हमारा व्हाट्सएप बना 2019 में, जब से कुछ लोगों की समझ में आया, अभी सहारा वाले का कार्यक्रम बहुत बढ़िया जगह जगह हो रहा है। यहाँ पे भी संख्या मुझे बताई गई कि सहारा वालों की ज़्यादा है। आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है, पैसा तो सबका मिलना है ये निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि न सहारा कंपनी ऐसी है, न PACL कंपनी ऐसी है, न आदर्श कंपनी ऐसी है, न और कोई कंपनी ऐसी है जिनके पास देनदारी से ज़्यादा लायबिलिटी ना हो, यानी उनके पास देनदारी कम है और एसेट्स ज़्यादा है। तो इसलिए पैसा तो मिलना है, मगर इसको हम कैसे ले सकते हैं, केवल वो फार्मूला आप सभी लोगों को मिल करके समझना है। अगर उस पर सभी लोग काम करेंगे तो पैसा 100% हम आपको लिख के दे सकते हैं कि पैसा 2024 से पहले आप लोगों को मिल जाएगा, मगर उसके लिए हमें एक पूरी ताकत, एक पूरी टीम और अपने निवेशक को हमें साथ लेना पड़ेगा। जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनको सामने आना पड़ेगा। अगर वो लोग सामने नहीं आते हैं तो आप लोग कितना भी हल्ला करते रहो, क्योंकि एक एजेंट के पास, किसी के पास 100 कस्टमर है, किसी के पास 200 कस्टमर है, किसी के पास 500 कस्टमर है, मगर काम करने वाला कौन व्यक्ति है? एक। तो सत्ता दिखा पाओगे आप? नहीं। और
जब तक संख्या नहीं जुटाएगी कोई शासन प्रशासन आपकी बात को तत्काल रूप से नहीं सुनेगा। अब मदनलाल आजाद जी आ जा रहे हैं, आजाद के बीच में अभी 10 मिनट में प्रशासन आ रहा है, क्योंकि उनको पता लग गई, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में घसीट देगा ये आदमी, तुम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में घसीट दोगे। तो ये ताकत आप लोगों की ऐसी ताकत है कि जो राष्ट्रीय टीम हमारे पास है वो बहुत ही मजबूत टीम है, और वो टीम जिस काम को करती है आज तक कोई काम विफल नहीं हुआ। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस कानून को जब बनवाया गया जब भी लोगों ने बहुत विरोध किया, और आज भी लोग वो ही डर दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता को क्या डर दिखा रहे हैं कि इस बट एक्ट में कार्यकर्ता जेल चला जाएगा, क्योंकि इस बट एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रचार प्रसार जो कर उसने किया है वो भी इसमें साझेदार बनेगा, मगर उसमें एजेंट कहीं भी नहीं आ रहा है। हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी लोग उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं। प्रचार करने वाला वो व्यक्ति नहीं होता है एजेंट, कोई सैलरी पेड व्यक्ति नहीं होता है कंपनी का, प्रचार करने वाला होता है। बड़े उद्योगपति जो पैसा दे करके कंपनी है वो एजेंट की सुरक्षा और कस्टमर का इन दोनों के लिए बात है। और जितने लोग आवेदन डाल देंगे, जितने भी कस्टमर हैं, मान लीजिए 1000 कस्टमर हैं और आवेदन डाला मान लीजिए 100 लोगों ने, तो 100 लोगों को ही पैसा मिलेगा, वो बाकी के लोग कभी पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई जो व्यक्ति नहीं करेगा वो व्यक्ति कभी पैसा नहीं ले पाएगा, क्योंकि सारा वाले ने तो क्लियर दिखा दिया कि हमने सबका पेमेंट कर दिया। आज 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है और सेबी बार बार ये कह रहा है कस्टमर ही नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो हम दें किसको, क्योंकि उसने वहां से वो फाइल उनके पास पहुंचा दी, सर हमने सबका पेमेंट कर दिया, मगर उसने किया क्या, उसने वो पैसा किसी न किसी सोसाइटी में ट्रांसफर किया है कस्टमर को नहीं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, और जो समझेगा वो निश्चित या से भुगतान पाएगा। हम लोगों ने अभी कार्यक्रम दिल्ली में किया, 31 जुलाई को किया, उसके बाद अभी 15 नवंबर को किया। उस कार्यक्रम की धमक इतनी रही कि 16 तारीख से ही आवेदन स्टार्ट हो गए, जो यूपी में कोई डीएम मानने के लिए तैयार नहीं था, आज धड़ाधड़ वो लोग आवेदन ले रहे हैं। आवेदन का मतलब है कि जो फॉर्म प्रपत्र जो बनाया हुआ है सरकार के द्वारा, उस पर आप अपनी नाम डिटेल, पिता का नाम, कितना पैसा जमा किया, कौन सी कंपनी में किया, वो फॉर्मेट पूरा तैयार है, उसको आपको भेजना है। चाहे आप भाई हैंड भेजते हैं, चाहे आप भाई कुरियर भेजते हैं, उसको भेजना पड़ेगा, और उस कस्टमर को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग, क्योंकि सरकार हमेशा वोट से डरती है और किसी से नहीं डरती है, ये ध्यान रखना, हमने 2019 में 2018 में 6 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास को घेरा था, मोदी जी के जब आवास को हमने घेरा 6 नवंबर 2018 में, और 19 में चुनाव था। तो आप ये मान लीजिए कि शासन प्रशासन के दिल्ली में आकर वो बार बार यही कहें कि आप लोग यहाँ तक आ कैसे गए, और इतनी भारी संख्या में हम लोग हुए थे कि शायद प्रशासन 2018 में हमने घेरा और 19 से हमारे आवेदन स्टार्ट हो गए और पेमेंट आना स्टार्ट हो गए। अब वो समय फिर आ गया भाई, 18 लाख लोगों को पैसा क्यों दिया आपने, पैसा नहीं है आपके पास, प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, अभी तो बैंकों में ही इतना पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट फ्रीज में, कोई पैसा आप नहीं दे पाए हो। तो उसके लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, एक संगठन बनाना पड़ेगा, और वो संगठन डायरेक्ट राष्ट्रीय टीम से अटैच रहेगा, बिना अनुमति के कोई काम कहीं भी नहीं, प्लानिंग के साथ। अगर यही प्लानिंग पहले अगर हो गई होती तो यहाँ 1000-2000 आदमी होते भाई, एक कस्बे से आप 50 व्यक्ति भी अगर आओगे तो 10-15-20 कस्बों में आप घूम जाओ,
तीन महीने बाद की डेट डाल दो, तीन महीने बाद लोगों को बुला लो, लोग खाएंगे। कोई बात नहीं, आपने शुरुआत किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने कम से कम यहाँ पर ये शुरुआत की। मगर आगे के लिए आज हम लोग मिलेंगे, अभी मिलकर जाएंगे, बताएंगे कि लोग हमें बता रहे हैं कि आपके यहाँ आवेदन आ रहे हैं, मगर आप कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री के पास जा करके आपकी शिकायत करेंगे, ये हम आज उनसे कहेंगे। और कोई अधिकारी नहीं चाहता कि मेरी शिकायत मेरे अधिकारी के पास जाए, क्योंकि नौकरी का सवाल है, ये कोई फील्ड का आदमी नहीं होता, डीएम डीएम सरकार का आदमी होता है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आज पूरी करौली में मान लीजिए तबाही मच जाए या भूकंप आ जाए या कोई आपदा आ जाए, तो क्या डीएम अपने अकाउंट से लोगों को मुआवजा नहीं देते हैं? देते हैं, पूरे जिले को देते हैं। तुम्हारा सा कितना पैसा है तुम्हारा? मगर हमें वो चीज बहुत ताकत के साथ रखते हैं, सबको व्यक्ति रखेगा उसको भुगतान होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, पैसा इनको क्या, इनकी कोई औकात इनके पास नहीं है जो पैसा को ये रोक ले। और हम ये करेंगे और इनको करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। सबके हर व्यक्ति, एक व्यक्ति मात्र 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ले तो मैं 10 कस्टमर अगली बैठक में अपने साथ लेके आऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि रैलियों में तो भीड़ आती है पैसों से, शराब से, खाने से और वाहन से। अब तुम्हारे पास वो तो व्यवस्था है नहीं, तो अगर मान लीजिए यहाँ 500 आदमी बैठे हैं तो मीडिया वाला अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मुझे किस आदमी के पास जाना चाहिए, जो उसमें सबसे बुरा आदमी उसको लगेगा वो उसके सामने जाकर के मार लगा देगा। आप यहाँ क्यों आए आप बताओ? आपने देखा होगा कभी कभी रैलियों में लोग कह देते हैं हमें तो 500 रुपये मिले इसलिए आए, कह देते हैं ना। जब यहाँ पर मान लीजिए 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसने 5 लोगों के मुंह पर मार लगा दिया और पांचों में से पांचों का काम ये हुआ, उसने ये कहा मेरा पैसा है फलानी कंपनी में इतना उसके लिए, तो वो जो अखबार में छापेगा वो ये छापेगा कि वास्तव में निवेशक बैठे हैं। वो चीज़ हम सबको करनी पड़ेगी, एक्चुअल निवेशक। आप घबराइए नहीं, आज हमारे एजेंट निवेशक से मिलने में घबरा रहे हैं कि कहीं निवेशक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। नहीं हो सकती, अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड है तो, और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप पैसा जमा करवाने के लिए एजेंट के कस्टमर के पास जाते थे और आज दिलवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो तो कुछ भी कह सकता है। और जब कस्टमर को ये पता लग जाएगा कि हमारा पैसा दिलवाने के लिए ये व्यक्ति लड़ रहा है, तो वो आपका सहयोग ही करेगा, आपकी कभी बुराई नहीं। हर कस्टमर के पास आपको संपर्क हेड राइटिंग नहीं भरवाना है, उसी का उसका फोन नंबर डलवाना है, जिससे कभी भी कोई टैली करे तो वो गर्व के साथ कहे हाँ साहब मैंने फार्म भरा है और मेरा इतना पैसा फलानी कंपनी में जमा है। या तो मेरे को पैसा चाहिए या मेरी कानूनी कार्रवाई कराई जाए। और जब वो पूरा डाटा जब हमारे पास पहुंचेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास वो पहुंचेगा, और जब कोई भी कार्यक्रम लगा होगा तो हम वहाँ रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि हमने इतने आवेदन दिए थे, आज तक किसी पर कार्रवाई हुई करौली में, आज तक किसी पर कार्रवाई हुई सवाईमाधोपुर में, आज तक किसी पर कार्रवाई हुई गंगापुर सिटी में, तो जवाब नहीं होगा इनके पास। इतनी जल्दी अगर हम लोग चाहते हैं कि इतनी जल्दी हमको पैसा मिल जाएगा, वो नहीं है। मगर 2024 में पूरे भारत में चुनाव है, जब तक हमको इस माहौल को इतना गर्म कर देना है, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना देना है, हमारे दरवाजे पर किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो सरपंच के चुनाव में आए, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव में आए, चाहे वो प्रधानी के चुनाव में आए, चाहे वो विधानसभा में आए, चाहे वो लोकसभा में आए, आप उससे क्लियर बोलिए हमारे पैसा दिलवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बताओ। बस
हम उसी को अपना वोट देंगे जो हमारी हमको पैसा दिलवाएगा या हमारी बात करेगा। आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम किसी को वोट नहीं। जब वो दस घर जाएगा और दस घर में से दस घर पर ये जवाब मिलेगा जी बोलो, तो उनको लगेगा यार हमारा वोट लग रहा है, ये तो बहुत कर्मठ कार्य करता था हमारा, ये जब ऐसी बात कर रहा है।